सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय माता दी बंधु, एक बार फिर से स्वागत है आपका देशी भक्ति यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आज के राशिफल के बारे में। जानिए क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। बंधुओं, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताने जा रहे हैं आज का सुविचार। व्यक्ति को कभी भी मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज है वो ही सबसे बड़ा मौका है। गलत तरीकों से सफल होने से कई गुना बेहतर है सही तरीके अपनाकर असफल हो जाना। जिंदगी का हर एक छोटा हिस्सा ही हमारी जिंदगी की सफलता का बड़ा हिस्सा होता है। कमजोर व्यक्ति तब रुक जाते हैं जब वो थक जाते हैं और आगे नहीं चल पाते, लेकिन एक विजेता तभी रुकता है जब वो विजय हो जाता है। आपका दिन शुभ हो। आज का पंचांग 27 नवंबर 2022 दिन रविवार, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी शाम के 4:25 तक, उसके बाद पंचमी है। सूर्य वृश्चिक राशि में, योगगण करण विष्टि और बव मास है। आज का दिन बहुत ही शुभ फलदायक है। विक्रमी संवत 2078, मास पूर्ण मांत मार्गशीर्ष पक्ष कृष्ण दिन शनिवार, तिथि अष्टमी 30:02 तक, नक्षत्र मघा 21:43 तक, सूर्योदय सूर्यास्त का समय, सूर्योदय सुबह के 6:52, सूर्यास्त शाम के 5:24। मकर, आज का राशिफल 27 नवंबर 2022 दिन रविवार। आज के दिन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, खासकर शाम के वक्त। आज बाहर का खाना खाने से बचे, नहीं तो पाचन तंत्र गड़बड़ा सकता है। अष्टम भाव में विराजमान चंद्रमा आपको अचानक से धन लाभ आज के दिन करवा सकते हैं। सामाजिक स्तर पर बातचीत के दौरान शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करें। छोटी छोटी चीजों को खुद के लिए परेशानी का सबब न बनने दें। लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदि आखिरकार आपको मिल जाएंगे। आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह सकारात्मक परिणाम लाएंगे व घरेलू तनाव दूर करने में मददगार रहेंगे। आपकी मुलाकात एक ऐसे दोस्त से होगी जिसे आपका ख्याल है और जो आपको समझता भी है। इस राशि के बच्चे आज खेलकूद में दिन बिता सकते हैं। ऐसे में माता पिता को उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चोट लगने की संभावना है। आपका जीवन साथी आपको खुश करने के लिए आज काफी कोशिशें करता नजर आएगा। आज आपका व्यक्तित्व लोगों को निराश कर सकता है, इसलिए आपको अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव करने की जरूरत है। उपाय, खीर का सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्य 65% तक आपका सहयोग करेगा। सरसों के तेल का दान करें, शनि 7:30 का प्रभाव कम होगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी अपने भविष्य के बारे में पता चली होगी। इसलिए यह जानकारी अपने तक ना रखें, इसे अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।